समाज सेवियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने को लेकर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भेजा है। इनका कहना है अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अम्बेडकर जन कल्याण सेवा समिति ने आगामी चुनाव में ईवीएम मशीन से वोटिंग कराने की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग की है, जिसको लेकर समिति ने राष्ट्रपति के नाम से उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है अगर ईवीएम मशीन की जगह वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया तो मजबूर होकर जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। लोगों ने ईवीएम के खिलाफ जो ज्ञापन दिया है उसमें प्रमुख मांग यही है कि आगामी जो भी इलेक्शन हो वो बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से कोई भी इलेक्शन मान्य नहीं होगा क्योंकि इसमें हेरा फेरी की यानी कि संभावना नहीं, बल्कि 202% संभावना होती है क्योंकि जो मशीन है, अब जो उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो यान जो है कितने हजार किलोमीटर यानी कि कहीं भी हम भेजते हैं ऊपर, उसे जो है यही यहाँ बैठे बैठे उसकी लोकेशन चेंज की जा सकती है, कुछ भी उसमें किया जा सकता है, तो ईवीएम मशीन में क्यों नहीं किया जा सकता। लिहाजा ईवीएम मशीन की किसी भी हालत में हम इलेक्शन नहीं होने देंगे और यदि ईवीएम से इलेक्शन हुआ तो ईवीएम मशीन तोड़ी जाएंगी। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।